मैडम के खून में शॉपिंग की कमी है, शॉपिंग करने इनको मतलब कुछ सामान लेना है, तो हम लोग यहाँ से सामान वामान लेके जाते हैं। यहाँ ठीक फील हो रहा है, रात में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसको, तो अभी रेड लाइट जल रहा है। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आपसे शेयर करूँ, आप लोगों को सजेशन दो। बहुत ज़्यादा सोचती इसका बाल तेल विल लगा हुआ है, फिर देखो व्लॉग में कुछ देर में एंड करूँगी, कुछ ऐसा नया खास तो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं नए तरीके से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। एक्चुअली आप इसे पहचान रहे हो, मेरी सिस्टर ने लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने इसे हॉस्पिटलाइज कराया था, और फिर उसके नेक्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा ये सही हो गई, इसको बुकिंग मिली है, और फिर इसकी तबीयत फिर से अचानक से बिगड़ गई है। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना अजीब अजीब चीज़ें, नॉर्मल मतलब अजीब सा हो रहा है इसको। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं क्या है, तो बताते हैं आपको। और इसका कुछ मन भी हल्का करना था, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको बाहर लेके जाऊँ, थोड़ा घुमाऊँ फिराऊँ। फिलहाल घुमाने फिराने से पहले मैं इसको डॉक्टर को दिखाऊँगी, और अभी तुमको बताओ कैसा फील हो रहा है। ठीक फील, अभी ठीक फील हो रहा है, रात में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसको। तो अभी रेड लाइट जल रहा है, मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आपसे शेयर करूँ, आप लोगों को सजेशन दो। बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होता है कि मतलब कोई आ रहा है, मतलब एक होता है ना दिमागी प्रॉब्लम, थोड़ा सा नॉर्मल अजीब सा। तो बस वही चीज़ें हैं, भगवान करे सब सही हो जाए। मैं इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हूँ, और हैप्पी रहना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। और 10:09 है, तो मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आपसे हॉस्पिटल में, या फिर इसको दिखाने के बाद, बिकॉज वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, हर जगह कैमरा मैं ओपन नहीं कर सकती। ओके बाय। हम लोग डॉक्टर को दिखा दिए हैं, बताओ क्या बोले डॉक्टर। ये अकेले थी अंदर, मैं भी नहीं गई थी, क्योंकि खुद है ना थोड़ा पेशेंट को अकेले जाना रहता है। तो बताओ क्या बोले हैं डॉक्टर। यही बोले हैं कि ध्यान रखो, पॉजिटिव थिंग्स लो, ज़्यादा कुछ सोचो मत, दिमाग पे लोड मत लो, तो इन्होंने बोला। फिलहाल मैं बस पाँच दस मिनट ली थी, बाकी अकेले थी, और डॉक्टर ने दवा दिया है। अभी मैडम दवा नहीं खाती हैं टाइम से, फिलहाल कह रही हैं अब खाएंगे। और दूसरा चीज़ ये कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, फिटनेस हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए वर्कआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैडम वर्कआउट नहीं करती हैं। और बस यही है कि थोड़ा सा वर्कआउट करेगी तो मतलब नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर नींद आएगी, मतलब यही थोड़ा दिमाग का ही थोड़ा सा दिक्कत है, और सोचती बहुत ज़्यादा ही है। तो मुझे जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मुझे इसको थोड़ा सा टहलाना है, कुछ खिलाने पिलाने, तो मैं जा रही हूँ उसको कुछ खिलाने पिलाने, उसके बाद से फिर हम लोग निकलेंगे एक जगह और। डेली बीच में ब्लॉग रुक गया था, एक्चुअली कॉल आ गया था दी का, तो मैडम को मैं ले जा रही हूँ, कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद से जहाँ दिखाना था। सब जगह कैमरा नहीं ले जाना चाहिए, वो तो हॉस्पिटल का इसलिए था क्योंकि हम और मेरी सिस्टर अकेले थे, और प्राइवेट रूम था, ड्रिप चढ़ा था, तो मैंने आपसे शो किया था। और बस अब इसको जा रहे कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर इसका ध्यान रखूंगी ये जल्दी से ठीक हो। मेरा तो दिमाग आउट है पूरा, इतनी मैं खुश हो गई थी कि ठीक हो गई है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। ओके मिलते हैं। देखो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इससे चाय मंगवा रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा ऐसे वर्कआउट करने के लिए, इसलिए कुछ ना कुछ कराते रहो। इससे मैं खाना भी पकवाऊंगी, सब इसी से करवाऊंगी। अब चाय पियो, अभी पता नहीं क्या क्या ये ऑर्डर किया है। हम लोग आए हैं तारामंडल कुछ खाने पीने, यहाँ पे कुछ ना वीडियो बनाना ना कुछ घूमने, बस इसको कुछ खिलाने पिलाने मैं लेकर आई हूँ, बिकॉज इसको खुला आसमान चाहिए था, खुले आसमान के नीचे बैठ के चाय पी लीजिए। मेरे को मन तो नहीं था, बट इसके चक्कर में मेरे को पीना पड़ रहा है, और देख सकते हो आप इसका बाल तेल विल लगा हुआ है। फिर देखो व्लॉग में कुछ देर में एंड करूँगी, कुछ ऐसा नया खास तो नहीं है। और मैडम कुछ खाएंगी पियेंगी, उसके बाद से हम लोग निकलेंगे अभी कुछ देर में। ओके ये ब्रेड का बना है, चीज़ गार्लिक ब्रेड, मैडम ने कब मंगाया मुझे पता नहीं था, मैंने मंगाया था वहाँ से सैंडविच, और यहाँ से फ्रेंच फ्राई, बट आ गया पहले ये। तो कह रही है मेरे को बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी, मेरे को खाना है, देखो कैसे खा रही है। सो हम लोग नौका विहार से निकल चुके हैं, मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। रोली ने अपने लिए तमन्ना, हाँ मतलब रोली मेरा निकनेम है यार, तमन्ना ने अपने लिए सैंडविचेस वो किए थे और पैक कराए थे, मैं वो भी खाने लगी। तो आई मीन टू से मैंने नहीं खाया, इसने पूरा खाया, इसको कुछ ज्यादा ही भूख लग रहा है। मैंने कहा खाओ भाई, आज इसने मॉर्निंग में 6 पराठे खाए, मुझे इसने अभी जस्ट बताया। ओके
तो फिर अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं निक्की, कहाँ जा रहे हैं? रिलायंस ट्रेंड जा रहे हैं, इनको कुछ सामान लेना है, शॉपिंग करना है रिलायंस ट्रेंड, और फिर देखते हैं उसके बाद से आई थिंक मैं ब्लॉग एंड करूँ। ओके, क्या क्या लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मिलते हैं गाइस फिर से, बाय। तो हम लोग आ गए हैं, मैडम के खून में शॉपिंग की कमी है, शॉपिंग करने इनको मतलब कुछ सामान लेना है, तो हम लोग यहाँ से सामान वामान लेके जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ही इसको कुछ सामान लेना है, फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग व्लॉगिंग करते हैं। ओके, की शॉपिंग कर ली है, कह रही है शॉपिंग करने का मन था मेरा। इन्होंने ये बताओ कैसा लगा तुमको शॉपिंग करके? आई थी एक दो सामान लेने, पसंद कर ली कुछ ज़्यादा। मैडम अपना अकाउंट खाली कर लिया इसने, इतना भी नहीं कि अकाउंट खाली हुआ, बट मेरे को लग रहा है महंगे में पड़ गई बेचारी। तो गाइस मैं ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब ढेर सारा प्यार दें, और मेरी बहन के लिए प्लीज़ प्रे करें। ओके।